दिख रहा है सभी को? यस मैम। ओके okay. सो कल किसी ने प्रैक्टिस किया क्वेश्चन का? सुरभि, फारहत, भूमि? नहीं किया? आपसे क्वेश्चन नहीं थे। हाँ क्वेश्चन आपके पास बुक है ना, एनसीईआरटी है, रेफरेंस बुक होगी, एसएल अरोड़ा होगी या प्रदीप होगी, कोई भी बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं. उसको रिवाइज कीजिएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बेटा. आज जो हम पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. फिर हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसमें आपके 5 से 6 केसेस हैं अलग अलग, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में, ठीक है. उसके ऊपर काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं, कहने को बहुत आसान है, पॉइंट्स होते हैं, बस उसमें आपको देखना होता है उसमें क्या क्या चीजें हैं, और उस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बच्चे वो भी गलत करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. देन हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. उससे रिलेटेड जो एक दो फॉर्मूले आते हैं, चार्ज टू मास रेशियो आता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है. तो वो हम अच्छे से कवर करेंगे अभी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लेट्स से प्लस क्यू है, ठीक है, और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, मान लीजिए माइनस क्यू है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू की वजह से, वो रेडियली आउटवर्ड होगा या रेडियली इनवर्ड होगा, बताइए. रेडियली आउटवर्ड होगा, आप फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस तरीके से. ये फील्ड लाइन हमेशा चार्ज के परपेंडिकुलर होती है बेटा, याद रखना है. ये देखिए ऐसे, इस तरीके से. और माइनस क्यू का कैसे होता है? रेडियली इनवर्ड. बताऊंगी ये सब चीजें तो आपको, यस और नो में कर दो रिप्लाई, ज्यादा तो मैं बोल ही नहीं रही, ठीक यस मैम। है. तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है सबको. अभी फील्ड का मतलब ये नहीं कि आपको दिखेंगी ये लाइन, ये सारा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. हम अगर एक कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, मान लीजिए क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं. ये आपके पास लिमिट है, क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो. इसका खुद का फील्ड नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम है, जीरो के आसपास कहीं लाई करता है ये. तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा, मान लीजिए आपने इस चार्ज को छुपा दिया, ठीक है. तो ये जो चार्ज, अगर ये चार्ज हमने रखा, तो चार्ज जो है मोशन करने लगा इधर, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा फील्ड की वजह से, ठीक है. तो वो जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? जो आपके पास फील्ड लाइन्स है ये इसी की डायरेक्शन में लग रहा है. अगर आपके पास नेगेटिव होता तो अपोजिट टू फील्ड लाइन्स लगता, ठीक है. जैसे अगर मैं यहां पर क्यू नॉट रख रही हूँ, प्लस में ही रख रही हूँ, ये रेडियली इनवर्ड है, तो इस पे फोर्स भी इधर ही लगेगा जिस तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है. क्लियर है सबको? यस मैम। तो हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो टूवर्ड्स मतलब अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव पे जो लगेगा वो अपोजिट है. जैसे मान लीजिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपने कोई प्लस क्यू चार्ज रखा, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और अगर ये माइनस क्यू होता तो इस पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फोर्स का वैल्यू कितना है? क्यू इंटू ई. कल करा था ना हमने कि ई क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाय में क्यू. क्लियर है यहां तक अभी? अब आती है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक चार्ज लेते हैं, लेट्स से प्लस क्यू है यहाँ पर, और एक मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट, ये भी मैंने प्लस प्लस में लिया है. तो सबसे पहले टेस्ट चार्ज लेना होता है आपको, सबसे पहले टेस्ट चार्ज लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलती है, जो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज बाय में टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है. अभी मैं वेक्टर की बात नहीं कर रही, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, अब इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो बता दो. लेट्स से इसके बीच में डिस्टेंस आर है, कितना होगा दो चार्जेस के बीच में फोर्स?
के क्यू क्यू नॉट बाय में आर स्क्वायर, और डिवाइड करना है टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो वो कितना है आपके पास क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, के क्यू बाय में आर स्क्वायर। तो सिंपली आपको कभी भी निकालना हो तो एक टेस्ट चार्ज जिस भी पॉइंट पे निकालना हो वहां पर एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करो, ठीक है, उन टेस्ट चार्ज और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फोर्स देखो कितना आ रहा है, और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज, यही आपके पास उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? तो फॉर्मूला सिंपली आप याद कर सकते हो, जैसे फोर्स का आप करते हो ना के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, वैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करें, के जिस भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो के क्यू बाय में आर स्क्वायर। मैं 1 2 नहीं लगा रही, जिस भी चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे निकालना है, मान लीजिए ये एक चार्ज है क्यू और इस पी पॉइंट के ऊपर निकालना है, तो यहां से जो डिस्टेंस है वो के क्यू बाय में आर स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस और नो? हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा? यस ओके सो आगे चलते हैं, ठीक है। आप एक बार फारहत दोबारा से ज्वाइन कर लो अगर ऐसा दिक्कत आ रही है आपको। तो अब आपको जैसे हमने कल फोर्स निकाला था ना, किसी एक पॉइंट पर नेट फोर्स निकाला था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको नेट निकालनी है किसी पॉइंट पे, वही सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आपका लगता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है, सिंपल। ई नेट क्या हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं और एक पर्टिकुलर चार्ज ई एन एनथ चार्ज के ऊपर आप नेट देख रहे हो, तो ई वन प्लस में ई टू प्लस में ई थ्री एंड सो ऑन अप टू ई एन माइनस वन, जितने भी रिमेनिंग चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वहां पर, वेक्टर सम लेना आपको। तो यहाँ पर मुझे निकाल के बताओ कितना आंसर आएगा। आप ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, ये डिस्टेंस ले लो ए है, आंसर निकालिए कितना आएगा बेटा। सुरभि, फारहत, बिंदु, बिंदु राज है ना, निकालिए। इस पॉइंट पर निकालना है, ए पॉइंट पर। अभी हमने किया कि इस एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो आप इमेजिन तो ये करते हैं कि भाई टेस्ट चार्ज है, फिर वहां पर उन दोनों के बीच में फोर्स लेते हैं, फिर फोर्स को डिवाइड करते हैं उसी टेस्ट चार्ज से, तो टेस्ट चार्ज तो वैसे भी रिमूव हो जाता है। तो सिंपली आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाय में आर स्क्वायर। तो जो ई बी है वो कितना आएगा आपके पास, के क्यू बाय में ए स्क्वायर, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, और ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा इस यहां पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर है, फोर्स जो लगेगा वो भी इधर ही लगेगा। आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं कि चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के या पॉजिटिव चार्ज के ऊपर उसी डायरेक्शन में होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में अपोजिट होता है। अब जैसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है अगर यहाँ पर, तो किधर होगा, यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया ई सी, ये हो गया आपके पास ई बी, और ई बी और ई सी दोनों इक्वल आएगा के क्यू बाय में ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, चार्ज का जो प्लस माइनस है वो नहीं देख रहे, इसको हम ई ले लेते हैं। अब नेट कैसे निकलेगा, ई नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस में ई टू स्क्वायर प्लस में टू ई वन ई टू कोस, जो इनके बीच में एंगल है। अब ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। बस आपको पुट करना है, ई वन ई टू हमारे दोनों सेम है, ई वन ई टू क्या है यहाँ पे, ई बी और ई सी, तो यहाँ पर ई रख लेते हैं इसको, ई स्क्वायर प्लस में ई स्क्वायर प्लस में टू ई स्क्वायर कोस 120 डिग्री। कोस 120 कितना होता है, -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ई स्क्वायर तो चला ही जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, ई ही बचेगा बस। और ई आप निकाल चुके कितना है, के क्यू बाय में ए स्क्वायर। निकाल लोगे अब बच्चे? कोई बात नहीं दीपाली, अभी तक मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन जैसे हमने कल फोर्स के 2 3 मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चन करे थे, सेम टू सेम होते हैं, सेम तरीके से निकलते हैं, सेम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगता है, वेक्टर फॉर्म में आपको निकालना होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? निकाल लोगे अभी? चलो ये निकाल के दिखाओ, अगर क्लियर है तो आराम से टाइम दे के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि पॉलीगन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं।
आपको क्लियर होना चाहिए, और मैं इसको डिटेल में करके दिखाऊंगी। पहले आप एक बार ट्राई करो सभी बच्चे। आपको इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है? पता है आपको, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, ई बी इधर आ जाएगा, और इसकी वजह से किधर आएगा, इधर आएगा, ये होगा ईडी। ऐसा ही कल एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, वहां आपको फोर्स निकालना था, यहाँ चार्ज रखा होगा कोई, ठीक है? और एक निकालना है आपको इसकी वजह वजह से, ये हो गया आपके पास ई ए। तो आपके पास अब इसका वेक्टर सम करना है आपको। तो पहले दो सॉल्व कर लो, ये वाला, और फिर इसके साथ देखते हैं वो कितना एंगल बनाता है, या इसी के पैरेलल आ रहा है, इसी के ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है? तो ईबी और ईडी कितना होगा बेटा, दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, देखो आपके पास डिस्टेंस सेम है, स्क्वायर है ना, मान लीजिए साइड इसकी ए है, ये डिस्टेंस आपका सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा, के क्यू बाय में डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा। तो के क्यू बाय में ए स्क्वायर दोनों सेम आएगा, लेट से ई आ गया दोनों, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ई स्क्वायर प्लस में ई स्क्वायर प्लस में 2e1e2 यानी 2e e into e यानी ई स्क्वायर ही आ जाएगा, इंटू में cos 90। cos 90 जीरो होता है, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ये कितना बचा, अंडर रूट 2e, और अंडर रूट 2e आपको पता है कितना है, के क्यू बाय ए स्क्वायर। ये तो हमने सारी कहानी निकाल ली इसकी वजह से और इसकी वजह से, अब बच गया कौन सा, ए वाला, ठीक है? डायरेक्शन क्या होगा इस रिजल्टेंट का, ये वाला इधर ही लगेगा आपका, ई जो हमने निकाला है नेट, या ई आर से रिप्रेजेंट कर लो, दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे ना, ऐसे बीच में से जा रहा होगा। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है, वेक्टर सम लेना है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। पहले ई ए निकाल लो कितना आएगा, ये क्या हो जाएगा, के क्यू चार्ज, इस चार्ज की वजह से निकाल रहे हो ना, के क्यू बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस सारा, ये आपके पास ए है, ये ए है, तो ट्राइंगल जो बना ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है, दीपाली, सुरभि, नेहा, फारहत, यस मैम। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपके पास के क्यू बाय में 2a स्क्वायर, ठीक है? अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है? या फिर आप इसको ऐसे पुट करके देख लो, ठीक है? तो अब जब सेम डायरेक्शन में है तो आपके ऐड हो जाएंगे, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास जो नेट बनेगा वो ये जो आया प्लस ये वाला, सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो रहे हैं, के क्यू बाय में ए स्क्वायर प्लस में के क्यू बाय में 2a स्क्वायर। तो यहां मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, के क्यू बाय ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रूट 2 प्लस में 1/2, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? अभी पॉलीगन के क्वेश्चंस कर लोगे आप लोग? हाँ जी बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। कुछ ग्राफ्स हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे ई वर्सेस एक्स में, इसमें थोड़ा सा आपको कन्वेंशन देखना होता है। जैसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, और अगर इस डायरेक्शन में है तो हम नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि, मैं आपको केसेस बता देती हूँ, ई वर्सेस एक्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ केसेस आप बना सकते हैं। जैसे पहला हम सबसे सिंपल ले लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है? अब हम ई जो है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है? ई को आप प्लॉट किस पे कर रहे हो, वाई एक्सिस पे। ऊपर की तरफ ई पॉजिटिव है, नीचे की तरफ ई नेगेटिव है। आपको पता है कि ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज का रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इधर की बात करें तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड,
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहां पर ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है। अगर हम इधर की बात करें तो इधर आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ई को हम नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव लेंगे और ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आपके पास ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे ही आप माइनस क्यू का बना सकते हो। बताओ मुझे, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, मतलब यहां अगर मैं देख रही हूँ राइट इन साइड में, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले क्वाड्रेंट में आएगा नीचे वाले क्वाड्रेंट में आएगा, थिंक अबाउट इट, रेडियली इनवर्ड होता है, इधर से जो फील्ड लाइंस है वो माइनस क्यू की तरफ आ रही है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव आपके पास नीचे वाले एक्सिस की तरफ होता है, और ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो आपके पास ये बन जाएगा। अगर हम इधर की बात करें तो वो आ रहा है आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा तो आपके पास क्या बनेगा, इधर, क्लियर है सबको? हाँ जी। यस मैम, यस अब मैम, इसमें इसमें एक केस और बनता है, आपके पास प्लस क्यू ले लीजिए, यहाँ पर भी प्लस क्यू ले लीजिए, ठीक है, दो चार्जेस ले लिया मैंने, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले ये देखिए, इसकी वजह से प्लस, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, इसकी वजह से चार्ज जो आपके पास फील्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ की अगर आप बात करें तो पॉजिटिव में जा रहा है तो यहाँ बनेगा, ठीक है, इस तरफ की बात करें तो ये आपके पास पॉजिटिव साइड में, सॉरी नेगेटिव साइड में जा रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है तो ये यहाँ बनेगा, इनके बीच में क्या होगा, पर बीच में क्या करें, अगर इसको देखें तो इधर आपके पास ई पॉजिटिव है और इसको देखें तो ई आपके पास नेगेटिव है, अपोजिट हो गए ना, तो और दोनों चार्जेस सेम है तो कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पर ये जीरो होगा, तो आपके पास ये इस तरीके से हम बना सकते हैं, ये ऐसे हो गए ना दोनों केसेस सेटिस्फाई। अगर इसकी बात करें, अगर पॉजिटिव साइड था, सॉरी जो आपके पास प्लस क्यू, प्लस क्यू की वजह से फील्ड आ रहा है, जो नेगेटिव साइड जा रहा है, नेगेटिव साइड तो नीचे आना चाहिए था और इसकी वजह से पॉजिटिव तो ऊपर आना चाहिए था, दोनों केस सेटिस्फाई हो गया, नहीं हो गए, क्लियर? तो ऐसे आप यस मल्टीपल कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, आप प्लस क्यू माइनस क्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, आप चार्जेस अलग कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इस चार्ज को +4Q कर देती तो ये मिड पॉइंट में जीरो नहीं होता, वो कहीं यहाँ होता, जैसे हमने इक्विलिब्रियम निकाल, इक्विलिब्रियम वाला केस किया था ना, तो कहाँ जीरो होगा, कहीं यहाँ जीरो होगा, तो ये ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज कहीं पर वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप अलग अलग चार्जेस में पुट करके देखिएगा, फोटो खींच के आप मुझे भेज सकते हैं कि मैम ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम करते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी तक हम कर रहे थे वो हम पॉइंट चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जो पॉइंट चार्जेस वाला फॉर्मूले है इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के, वो हमारे पास जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर वो फेल हो जाता है, तो यहाँ हमको कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन वगैरह का लेना पड़ता है, तो जो इसमें सबसे सिंपलेस्ट केस है वो आपके पास है, जब एक हम रोड लेते हैं, एक मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगी, बाकी मैं आपको जो मेजर फॉर्मूले हैं वो बता दूंगी, ठीक है, ये आपके पास एक रोड हो गई, ठीक है, और इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, लेट्स से मैंने क्यू चार्ज दिया, वो इस पे सारे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि सारे चार्ज को सेंटर पे मान लो फिर इनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे आप निकाल लो, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये हो गया ए, इसका लेंथ मान लो कितना है एल, ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं जिसका थिकनेस डीएक्स है, छोटा सा एलिमेंट है, उस पे छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, ठीक है, अब ये एक छोटा सा है, इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो इसके और इसके बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, अब इस पॉइंट पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के डी क्यू बाय में आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस मान लो एक्स है, अब आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस में ए का होल स्क्वायर, क्लियर है सबको ये चीज, यस मैम, ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आप ले सकते हो, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट लेके यहाँ से यहाँ तक,
तो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लिमिट क्या पुट करेंगे, ए से ए प्लस एन। यहां फर्स्ट अगर एलिमेंट लिया होता तो ए होता, देन आप आगे चलते जा रहे हो ए प्लस एन, ठीक है। अब यहां इसको कैसे सॉल्व करें आगे आगे, अब क्या करें हम लोग, एक्स वेरी कर रहा है, ए चलो चलो फिक्स हो गया, के भी कांस्टेंट हो गया, डी क्यू आपके पास क्या होगा। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हम एक टर्म लेते हैं लैम्डा। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज जो इसको चार्ज दिया डिवाइडेड बाय इसका लेंथ, यही आपके पास लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक छोटा एलिमेंट अगर आप मान रहे हो तो लैम्डा क्या है यहाँ पे, डी क्यू बाय में डी एक्स जो आपने लिया, पर यूनिट लेंथ तो उतना ही आएगा ना। आप छोटा ले लो बड़ा ले लो, चार्ज बाय लेंथ कर लो, छोटे एलिमेंट में छोटा चार्ज है, चार्ज पर यूनिट डी एक्स कर लिया, ठीक है। तो यहां से डी क्यू आ जाएगा आपके पास लैम्डा डी एक्स, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए। तो यहां से क्या हो जाएगा, के बाहर कांस्टेंट, लैम्डा भी बाहर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ए से ए प्लस एल, और ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स बाय में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब बस आपको इसको इंटीग्रेशन करना है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ये आप अपने बुक्स में चेक कर सकते हो कैसे कैसे इंटीग्रेट कर रखा है, क्लियर है सबको। अब मैं इसका फाइनल आंसर बता रही हूँ आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इस पॉइंट पर ड्यू टू लीनियर रोड, वो क्या आएगी, के लैम्डा जो आपने अभी बार कॉमन लिया हुआ है, डिवाइडेड बाय में वन बाय में ए माइनस में वन बाय में ए प्लस में एल, ये आपका फॉर्मूला है। ए क्या है, इस एंड से यहां तक का डिस्टेंस है, और ए प्लस एल ये टोटल डिस्टेंस है। तो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, क्लियर है सबको। हाँ जी बच्चों, दीपाली, यस मैम। ओके। सो डेरिवेशंस आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो, मैं सारा फिगर और जहां तक मेजर आपको चीजें समझनी चाहिए उसके बाद तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, वो आप बुक में देख लेना। सेकंड जो आता है आपके पास, वो आपके पास आता है, मान लीजिए इस तरह का शेप है सेमी सर्कुलर, और इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो सारा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। यहां पर आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फॉर्मूला जो रहेगा वो होगा टू के लैम्डा बाय में आर, आई थिंक यही होना चाहिए, टू के लैम्डा बाय में आर, यस। ई एट सेंटर, लैम्डा आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, के आपको पता है कांस्टेंट है, आर इसका जो है वो रेडियस है। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसमें थीटा वगैरह आ जाता है कि हम लोग एक एलिमेंट मानते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट होता है डी एल जिसके ऊपर चार्ज है डी क्यू, ये एंगल थीटा है, ये डी थीटा है, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है इधर, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ठीक है। तो इसको फिर हम ब्रेक कर लेते हैं, आएगा इधर ई कोस थीटा, इसको ब्रेक करेंगे, एक इधर आता है ई साइन थीटा। अब दो कॉम्पोनेंट आ गए, इनको हमको देखना पड़ेगा। अब जैसे यहां आपके पास एक एलिमेंट है ना, ये ऐसे इसका मिरर एलिमेंट आएगा यहां पर, ठीक है, यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे और एक नीचे आ जाएगा, तो जो आपके पास एलिमेंट आ रहा है ये इधर आया और नीचे, तो ये वाले जो आपके पास एलिमेंट्स है वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो किसकी वजह से निकल रहा है, जो डी है आपके पास किसकी वजह से है, इंटीग्रेशन ऑफ ई साइन थीटा। लिमिट्स आपके पास क्या आ जाएंगी, जीरो से पाई, एंगल कितना वेरी कर रहा है, जीरो से पाई। आवाज आ रही है सभी बच्चों को, ठीक यस मैम। है, जीरो से पाई आपका एंगल जो है वो वेरी कर रहा है। अच्छा ई बता दो कितना होगा यहाँ पे, जीरो से पाई ई कितना होगा, ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया तो उसका आपके पास डी कितना आ जाएगा, आपके पास डी आएगा, बताइए, के डी क्यू बाय में आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, जीरो से पाई। अब मुझे यहां पर भी डी क्यू को चेंज करना पड़ेगा, सेम जैसे वहां पे लैम्डा मैंने पुट किया था, लैम्डा यहां पर क्या होगा, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज है क्यू, लेंथ कितना है अब, पाई आर,
ये हुआ ना 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है, लेकिन अभी आधा लेना पड़ेगा तो पाई आर हो गया। लेकिन एक छोटे एलिमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो लैम्डा कितना हो जाएगा, डी क्यू बाय में डी एल, ठीक है। तो डी क्यू कितना हो गया, लैम्डा इंटू में डी एल, ठीक है। लेकिन अब डीएल को नहीं यूज करना हमको, तो डीएल को हम एंगल वगैरह जब होते हैं तो चेंज कर लेते हैं। आपको पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। अब हमारे पास जो डीएल है वो यहाँ आएगा आर, और ये हो गया डी थीटा जो उसका एंगल है। तो डीएल कितना हो जाएगा आपके पास, आर डी थीटा। तो डी क्यू को आपको पुट करना है लेमडा आर डी थीटा। जब आप यहाँ पुट कर देंगे फिर आपको बस इंटीग्रेट करना है, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ये 2K लैम्डा बाय में आर। क्लियर है सबको अभी के यस लिए? मैम। नहीं, कॉम्पिटिशन्स के लिए थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे पुट करते हैं, कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, कौन से ऐड हो रहे हैं। डेरिवेशन तो देखो पेपर में आना नहीं है, फिर आप समझ सकते हो कि आप जब उसको सॉल्व करते हो आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, क्योंकि इस रिजल्ट को उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। लेकिन ये आना चाहिए आपको, कैसे एलिमेंट आ रहा है, कैसे एलिमेंट टूट रहा है, कैसे नेट बन रहा है, कौन से जीरो हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक होता है। अब हमको सारी चीजें ऐसे थोड़ी कि डेरिवेशन याद रहेंगे पेपर में, नहीं रहते। तो आपको फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए, तो 2K लैम्डा बाय में आर। थर्ड केस क्या होता है आपके पास, अगर मैं सिर्फ इतना ले लू, क्वाड्रेंट ले लू, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा आपके पास आंसर, ई नेट आपके पास सेंटर पे कितना आएगा। इसको मान लीजिए प्लस क्यू मैंने चार्ज दिया, ये सारे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ई नेट इसका आएगा कितना, अंडर रूट 2K लैम्डा बाय में आर। इंटरेस्टेड है आप इसके डेरिवेशन वगैरह समझने में तो आप अपनी बुक से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, जो आपको सारे जो केसेस हमने करे उसमें आप वैल्यू पुट करें बस एंगल की, आपके पास आंसर निकल जाएगा। जैसे कि सिंपल आप एक ऐसे सेक्शन लेते हैं, ये एंगल है अल्फा, ये प्लस 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 सारे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्लस क्यू, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ई नेट होगा सेंटर पे वो कितना होगा, 2K लैम्डा बाय आर इंटू में साइन एल्फा बाय टू। अब हम फर्स्ट केस जो हमने किया था सेमी सर्कल वाला, यही वाला देख लेते हैं। अगर एल्फा, एल्फा कितना है यहाँ पे, अगर हम पूरा इतना बड़ा सेक्शन ले रहे हैं तो एल्फा ये सारा हो जाएगा ना, ये सारा, ये कितना हो गया एंगल 180, एंड साइन 180 कितना होता है आपके पास, सॉरी साइन 180 बाय टू, यानी 2K लैम्डा बाय आर इंटू में साइन 180 बाय टू, साइन 90, तो ये हो जाएगा 1, तो 2K लैम्डा बाय आर आ गया। यहां पर भी देखो कितना आ रहा था आंसर, लिखा है ना मैंने 2K लैम्डा बाय आर। ऐसे ही जब आप क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो एंगल कितना हो जाएगा 90, ये एंगल कितना हो गया 90। जैसे ही आप 90 पुट करोगे, 90 बाय टू 45, साइन 45 कितना हो जाएगा 1 बाय रूट 2, तो 2K लैम्डा बाय आर इंटू में 1 बाय रूट 2 आ जाएगा। अब ये अब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, √2K लैम्डा बाय में आर, यही आ गया। तो कोई भी एंगल दे रखा हो आपको, अल्फा आपको 30 दे रखा हो, 60 दे रखा हो, 90 दे रखा हो, 180 दे रखा हो, कुछ भी 45 दे रखा हो, तो आप ये जनरल फॉर्मूला एक याद कर लो, इससे आपके सारे आंसर्स निकल जाएंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो जनरल वाला याद कर लो, बाकी आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे निकलता है। ये दो तीन है जो मेजर है। इसके बाद आपके पास आता है एक केस, आपके पास और बनता है इसमें रिंग वाला, आई थिंक। हाँ जी, एक एक और बनता है इसमें बेटा, यहाँ बता देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक इस तरीके से फाइनाइट लेंथ का एक रोड है। अभी तक तो हमने किया था जब हमारे पास इस तरीके से रोड था और अलोंग इसी के हम लोग कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। लेकिन अगर हमको किसी और पॉइंट पे निकालना हो, मान लो यहाँ निकालना हो, कोई जनरल, कोई भी जनरल पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, वो इसका इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसका फॉर्मूला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो वेरिएबल्स है वो देखो, ये जो डिस्टेंस है ए, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस रोड। इसका जो लेंथ है वो मान लीजिए एल है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो इससे कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये है थीटा वन, ये कितना एंगल है थीटा वन, और यहां से कितना एंगल बना रहा है, ये मान लीजिए है थीटा टू, ठीक है। अब इसमें जब हम एलिमेंट वगैरह लेते हैं तो हम ऐसे ही लेंगे, मान लो यहाँ कहीं एलिमेंट लिया होगा और उसको हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा एंगल बन रहा होगा डी फाइव,
इनके भी इसका एंगल जो बन रहा होगा डी फाई, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डीई, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ डी फाई एक एंगल आएगा और ये जो एंगल है ये फाई है। क्लियर है सबको? हाँ जी। मैम आप चैप्टर नंबर 4 करा रहे हैं? चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेक्चर नंबर टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपिक डिस्कस हो रहा है। ठीक है, ओके। तो यहां पर आप इसका जो फॉर्मूला रहेगा बेटा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें दो दो कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे कि आपके पास एक इधर ब्रेक होता है, ये होता है ई परपेंडिकुलर, एक इधर होता है ई पैरेलल। तो दो कंपोनेंट्स में ये ब्रेक होता है। ये अगर फाई है तो ये फाई होता है, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं थीटा वन से थीटा टू। तो ई पैरेलल बनेगा के लैम्डा बाय में ए इंटू में कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, और ई परपेंडिकुलर बनेगा के लैम्डा बाय में ए साइन थीटा वन प्लस में साइन थीटा टू। ये आपको याद होना चाहिए, रिमेम्बर देम, क्योंकि हो सकता है कुछ इस क्वेश्चन अगर डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको एंगल्स वगैरह दे रखे होंगे क्वेश्चन में कि थीटा वन इतना है, थीटा टू इतना है, एक एंगल 90 है, एक 30 है, ऐसा कुछ चीजें गिवन होगी। आपको ई पैरेलल कंपोनेंट निकालना या ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना आ सकता है। ठीक है, सबको क्लियर है? यस मैम। नियर फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका फिगर दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए कि क्या क्या है। ए क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस लेंथ, जो एल लेंथ हमने लिया है, ठीक है। और लैम्डा यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मान लो यहाँ पर क्यू दे रखा है मैंने चार्ज, ठीक है। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? क्यू बाय एन। एक छोटे एलिमेंट की बात करें तो डी क्यू बाय में डी एन, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा टू नीचे एंगल ले रखा है, थीटा वन मैंने ऊपर एंगल ले रखा है, वो मानने में मैंने नीचे थीटा टू माना है, ऊपर थीटा वन माना है, ठीक है। और फिर एक कॉम्पोनेंट लेते हैं, वो फाई एंगल पे होता है, और वो फाई जब आप इंटीग्रेट वगैरह करोगे ना वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। तो ये जो दो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। अभी आगे इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कैसे? कि अगर मैं इसको इनफाइनाइट लेंथ का कर दूं, आपको पता है इनफाइनाइट लेंथ करते जाओगे तो ये जो एंगल है ये बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे आप ऊंचा देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 हो जाता है और नीचे वाला भी 90 हो जाएगा। तो जब आप 90 90 पुट करते हैं तो कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा इनमें, बताइए कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा बेटा? एंगल पुट करो, कोस 90 जीरो होता है कोस साइन। वाला पार्ट होगा। हाँ, तो ई पैरेलल जो है फॉर इनफाइनाइट केस क्या हो गया, सेकंड हाँ जी। तो आपके पास हाँ 90 करोगे तो ई पैरेलल कितना हो जाएगा? जीरो। और ये वाला कितना आ जाएगा? ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय ए, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90 टू। यही आपके पास टू लैम्डा, ये आएगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन, अगर ये वैक्यूम में रखा है ई नॉट ए, ऐसा कुछ फॉर्मूला आप गॉस लॉ में भी डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिंपली ऐसे याद होना चाहिए, इनफाइनाइट का केस हो गया या फाइनाइट का केस हो गया तो क्या होता है, ठीक है। इसी में आपके पास रिंग का अगर मैं केस हूँ, लास्ट रिंग वाला होता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, मान लो ये रिंग है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और मैं किसी पॉइंट पर जो सेंटर से डिस्टेंस कितना है जिसका एक्स, ये डिस्टेंसेस वगैरह पता होने चाहिए, परपेंडिकुलर है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस हो गया। अब यहां पर मैम आपको ई नेट निकालना है। जी बेटा, ये तो सिमिलरली जो चैप्टर नंबर 4 है मैग्नेटिक फील्ड वाला, मैम उसमें भी सेम डायग्राम है ना, उसमें तो पूरा हाँ पूरा जी, डेरिवेशन। हाँ। तो डेरिवेशन तो खैर आपके पेपर के लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो इसमें आपको अब जो चीजें पता होनी चाहिए, कौन से डिस्टेंसेस हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या एंगल्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर थीटा वन थीटा टू जनरल फॉर्म में हम ले रहे हैं, जब वो इनफाइनाइट हो रहा है तो 90 जा रहा है, तो अब ये चीजों पे फोकस करना है, छोटी छोटी चीजें, इनके ऊपर क्वेश्चन निकल यस के मैम, आएंगे। अब इसमें करंट एलिमेंट का हम लेंगे तो हाँ, तो इसमें भी हम कौन ऐसे ही सॉल्व करते हैं डेरिवेशन जब हम करते हैं, मैंने एक करके दिखाया है, शायद आप लेट आए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला करके दिखाया है, एलिमेंट लेते हैं कैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा,
लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाती है लैम्डा, ठीक है। तो यहां जब आप निकालेंगे तो उस ई नेट कितना होगा, के क्यू एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है फॉर रिंग। अब इसको देख के हम काफी चीजें देख सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास सेंटर की बात करो तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो ई नेट एट सेंटर जीरो। ये हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ऐसे ऐसे ऐसे, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और वही हो रहा है एक्चुअली में। फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं ई नेट इक्वल्स टू जीरो एट सेंटर। और अगर मैं बहुत दूर रख दूं रिंग को, एक्स बहुत ज्यादा बड़ा कर दूं, एक्स ज्यादा बड़ा कर दूं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं व्हेन यस मैम, एक्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन आर। तो आपके पास ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू के क्यू बाय में के क्यू एक्स, और ये नेग्लेक्ट होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये इससे कटेगा तो बनेगा के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर। तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है वो, और इनफाइनाइट डिस्टेंस कर दिया। तो इसको देखो, डिस्टेंस बढ़ाया, अब मैंने इनफाइनाइट कर दिया, तो एक्स को मैंने अगर इनफाइनाइट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, जीरो। क्लियर है सबको, यस मैम। ठीक है। तो ये था सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन कीजिए बेटा, चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.3 मीटर। कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट 0.4 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर एंड ऑल्सो एट द सेंटर। अभी हमने किया है फॉर्मूला, क्या था, के क्यू एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अभी हमने देखा बाय सेंटर वाला तो सॉल्व हो ही गया, सेंटर पे तो जीरो आ रहा था अपना, ठीक है। बाकी आपको बस वैल्यू पुट करनी है। K का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होता है, Q का वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁹ है, X कितना दे रखा है 0.4 डिवाइडेड बाय में R कितना है 0.3 का जीरो होल स्क्वायर प्लस में X 0.4 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब बस आपको सॉल्व करना है, देखने में बड़ा लग रहा है, ये तो कैंसिल आउट ही हो रहा है देखो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लगभग आंसर आई थिंक आना चाहिए 115 के आसपास, चेक कर लेना बेटा, 115 न्यूटन पर कूलम, और सेंटर पे जीरो आएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखो ऐसे बनता है। तो आपको फिगर अगर याद है, फॉर्मूला अगर याद है, आपको पता है कि भाई डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला ये एक्स है, क्यू क्या है, के क्या है, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। इजी क्वेश्चन था, आगे चले। यस मैम। अब बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि पॉजिटिव चार्ज का रेडियली आउटवर्ड फील्ड होता है, फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी लाइंस जो है, ये फील्ड लाइन से रिप्रेजेंटेड होता है। जैसे अगर प्लस क्यू की बात करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है, ऐसे। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर माइनस क्यू की बात करें तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस तरह रेडियली इनवर्ड, ऐसे ही होता है ना भाई, ठीक है। डायरेक्शन आप चेक कर सकते हो, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लो, वो किधर मूव कर रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ प्लस क्यू रख दूं तो ये इधर मूव करेगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ प्लस क्यू रख दूं तो इधर मूव करेगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से आप उसका डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज कि मैग्नीट्यूड क्या है, ये कैसे पता लगेगा किसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ अगर लाइंस ज्यादा है ना, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। वो आपको पता किससे चलेगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, जहां आपको ज्यादा डेंस दिख रही है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है सबको, तो मोर डेंसिटी मोर इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, ये जो लाइंस हैं ये हमेशा चार्ज के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज, ठीक है। मान लो दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू यहाँ है, एक प्लस क्यू मान लो माइनस क्यू कर लेते हैं, माइनस क्यू यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आप कैसे निकालते हैं, कहीं पर भी वहां पर एक टेंजेंट डालते हैं। मान लो यहाँ निकालनी है तो यहाँ आप एक टेंजेंट डालेंगे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, तो टेंजेंट टेंजेंट से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं अभी, टेंजेंट डायरेक्शन बताएगा,
एट पॉइंट, ठीक है, टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि एक पॉइंट पर अगर मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मान लो ऐसे है, तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से तो टेंजेंट डालेंगे तो इधर डायरेक्शन आएगा, और इसकी वजह से इधर, तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती, तो टू लाइंस कैन नॉट क्रॉस इच अदर, ये तो जनरल है, अभी इंपॉर्टेंट वाले हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, कैन नॉट क्रॉस इच अदर, ठीक है। दूसरा बताते हैं उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो रहेंगे आपके पास, ओरिजिन, हाँ, एक पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट हो रहा है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो रहा है, तो सिंपल है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाते ये, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अगर हम बात करें, वहां तो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल और फिर अंदर से साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जा रहा है, वैसा केस यहाँ नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है, मान लो मैं एक चार्ज दे देती हूँ प्लस क्यू, तो मैं तीन बच्चों को बोल रही हूँ कि इस पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, कोई दो बना देगा, कोई तीन बना देगा, एक दो तीन बना दिया, किसी ने चार बना दिया, तो ये सब्जेक्टिव है, बंदे पे डिपेंड करता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो बनाना चाह रहा है, लेकिन अगर मैं दो चार्ज दे दूं, एक प्लस क्यू और एक प्लस टू क्यू, तो आप अलग अलग बनाओगे, अगर क्यू में आपने तीन बनाया तो आपको छह बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑरिजिनेट करेगा, तो ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, कि आपको डेंसिटी, आपने दो दिखाया तो आप चार करोगे, तीन दिखाया तो छह करोगे, तो डेंसिटी आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि चार्ज जो आपका कितना है, ठीक है, क्लियर है सबको। और एक यस जो मैम, इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो चार्ज के अंदर जा रहे हैं, चार्ज से बाहर आ रहे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, आई थिंक आईआईटी में भी आया हुआ है इस पे क्वेश्चन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपके पास फ्रॉम या टू दी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, यही बताया ना मैंने आपको अभी, कि अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसके ऊपर हम एक मैं क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम या टू द चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, क्लियर है ये चीज। इसके अलावा फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जो फील्ड लाइन है सिमेट्रिक है अबाउट दी लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस, टू चार्जेस मान लीजिए यही है, अगर मैं आपको प्लस क्यू से माइनस क्यू दे दूं, अगर यहां से एक लाइन मैं ऐसे दिखा रही हूं, तो नीचे से भी एक ऐसे होगी, इट इज सिमेट्रिक, समझ में आई ये बात, क्लियर है बेटा। यस दूसरा डेंसिटी से, अब मान लीजिए मैं आपको इस तरीके से दे दूं, मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी हैं, ठीक है, यहाँ एक या दो है, ठीक है, यहाँ आपके पास और क्लोज है, तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगा, ए पॉइंट पे, मान लो एक ए पॉइंट यहाँ लिया आपने, बी पॉइंट यहाँ लिया है, या सी पॉइंट यहाँ लिया है, तो आपको डेफिनेटली पता है जहां नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ई इज ग्रेटर देन ई बी, राइट, एंड ई सी इज ग्रेटर देन ई बी, और हमको देख के लग रहा है कि ई इज, अगर यहाँ पे मैं चार दिखा रही हूँ तीन दिखा रही हूँ, आप कह भी सकते हो ई इज ग्रेटर देन ई सी, अगर मैं ऐसे दिखा दूं चार दिखा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो आपको जो इसका डेंसिटी है उससे ये पता लग रहा है कि कितना स्ट्रेंथ है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, क्लियर है ये चीज सबको, यस मैम, जिन वाला हमारे पास हो गया पॉजिटिव, अगर हम ऐसे करें, चलो तो क्वेश्चन ही आ गया, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं, आपको पता है दोनों का रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, इस तरीके से ऊपर जाएंगी, अगर एक पॉजिटिव चार्ज के पास आ रहा है तो वो उसको रिपेल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। दूसरा आपके पास एक कंडक्टर वाला केस और होता है, कंडक्टर के अंदर अगर मान लो होलो कंडक्टर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर हम होलो कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके अंदर, जीरो होता है, ठीक है, इसके ऊपर तो काफी क्वेश्चन है, वेंडी ग्राफ जनरेटर भी आई थिंक इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट लगता है, तो आपके पास होलो कंडक्टर की अगर आप बात कर रहे हो तो जीरो है,
क्लियर है सबको? और अगर कंडक्टर सरफेस पे आपको लाइंस बनाना है तो परपेंडिकुलर ही बनेंगे, जैसे हमारी चार्ज की सरफेस की परपेंडिकुलर है वैसे ही कंडक्टर सरफेस की भी परपेंडिकुलर आपको लाइंस बनानी पड़ेगी। और अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? जनरल जनरल चीज है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म कैसे हो जाएगा, मान लो अगर ये ऐसे है तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म हो गया ये, और ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है सबको अभी सभी बातें? आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम आ रही है। आ रही है बेटा अंश। तो ये इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो आपको ये वाला पता होना चाहिए और एक ये वाला पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लाइन कैसे डिनोट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। एक ये भी आपके पास है कि ज्यादा अगर लाइन्स दिख रही हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बाकी उनको बनाते कैसे हैं, डायरेक्शन कैसे है, ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। आपको क्यू वन बाई क्यू टू निकालना है, इसमें प्रॉपर्टी लगेगा ये वाला, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। तो जरा सॉल्व करो कितना आंसर आएगा। क्यू वन में कितना फील्ड लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, क्यू टू में कितना है, 4 है, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, यानी क्यू वन का मैग्नीट्यूड बाई क्यू टू का मैग्नीट्यूड अगर प्रोपोर्शनल है और फिर हम रेशियो करते हैं तो वो कॉन्स्टेंट जो होगा प्रोपोर्शनलिटी वाला वो कट जाएगा। तो आप सिंपली देख सकते हो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स का रेशियो क्या आ रहा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्यू वन में कितना जा रहा है, 8, क्यू टू में कितना जा रहा है, 4, कितना हो गया ये, 2। लेकिन उन्होंने मैग्नीट्यूड का रेशियो नहीं पूछा, क्यू वन बाई क्यू टू का रेशियो पूछा है। तो क्यू वन आपको पता क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि उससे बाहर डायरेक्शन में आपके पास लाइंस जा रही हैं और क्यू टू में अंदर आ रही हैं तो वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव अगर आप बात करो तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये -2। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, तो आपने देखो अगर हम जनरली इसको देखते तो हमें समझ में नहीं आता भाई अब इसमें कैसे रेशो निकाले, लेकिन एक सिंपल सी प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हम नीचे वाला देखो, एक क्यू वन है एक क्यू टू है, तो आपको बताना है कि कौन सा चार्ज बड़ा होगा। आपको ये चीज तो पता है कि चार्ज बड़ा होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा तो डेंसिटी वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें बताओ कौन से एंगल पे डेंसिटी ज्यादा है, अल्फा पे या बीटा पे, क्लोज कौन सी है? बीटा। बीटा, तो जो आपके पास एंगल अगर कम है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, ज्यादा क्लोज है, ज्यादा डेंस है, वो चार्ज ज्यादा है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक वाली। अगर मैं सिंपली एक लाइन बना के आपको दे देती और मैं पूछ लेती बताओ भाई कितना चार्ज, कौन सा चार्ज ज्यादा होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते अब इसको कैसे बताएं। आपको प्रॉपर्टी पता है कि सिमेट्रिक होता है अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, तो एक ऐसी ही नीचे भी होगी, फिर उनमें एंगल देख लो कितना बन रहा है, जिसमें बड़ा बन रहा है इसका मतलब वो चार्ज छोटा है, जिसमें छोटा एंगल बन रहा है वो चार्ज बड़ा है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आता है आपके पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन आई थिंक ये डेरिवेशन आपने अपने पेपर में भी किया होगा, किया किसी ने, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आपको पता है कि मान लो ये मेरा डायरेक्शन है फील्ड का, यहाँ कोई मेरे पास पॉइंट है मान लो जहां पर मैंने एक प्लस क्यू रख दिया, तो प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर फोर्स लगेगा, और अगर माइनस क्यू रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। उसका वैल्यू कितना होता है, क्यू ई होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमको उठा के यूज करना है यहाँ पे। मान लो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, या पैरेलल प्लेट्स रखी हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर हाँ ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी डायरेक्शन होगी और परपेंडिकुलर होगी। अब मैं एक कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेती हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक वी नॉट वेलोसिटी के साथ हमने प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलर, कहीं मिड पॉइंट पे लगा लो कि मैंने ले लिया है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सीधा तो नहीं जाएगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ इसका पाथ से, इस पाथ से जो डिफ्लेक्शन हुआ वाई, ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है, ठीक है। दूसरा, किस एंगल से वो बाहर जा रहा है ये पता होना चाहिए। मान लो इसके पैरेलल में एक लाइन लगा रहे हो तो किस एंगल से वो इमर्ज कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर है सबको? और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है ई बाय एम रेशियो।
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इजी है ये टॉपिक, बस आपको समझना है क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक एक्स डायरेक्शन ले लो, एक वाई डायरेक्शन ले लो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन ए एक्स और एक्सेलरेशन ए वाई क्या होगा। हमने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था, लेकिन उस पर डिफ्लेक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला उठाएंगे। ये फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए वाई, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया ना फोर्स। दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ए वाई कितना आ गया आपके पास, क्यू ई बाय एम। अब हमारे पास यहाँ चार्ज क्या है, ई, तो स्मॉल ई कैपिटल ई बाय में एम, ये आपको उठाना है। ये हो जाएगा आपके पास स्मॉल ई कैपिटल ई बाय में एम, सिंपल। ए एक्स जीरो है, क्या उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ए एक्स वाली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। यू एक्स आपके पास क्या है, वी नॉट स्पीड से हमने उसको फेंका है, और यहां पर कितना होएगा, यू वाई जीरो, इनिशियली हमने उसको कोई वेलोसिटी थोड़ी दिया है वाई डायरेक्शन में। क्लियर है सबको। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ये प्लेट का डायरेक्शन अगर बात करूं, तो ये एक्स है, जो यहां तक अगर वो पहुंच रहा है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, एस एक्स एक्स हो गया, और एस वाई क्या है, वाई है। अब आपको बस उठा के यूज करना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज कर लो। यहां से एक टाइम आएगा, जितने टाइम में वो यहां से यहां पहुंच रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट मैं ले रही हूँ एक्स, यू एक्स आपके पास जीरो हो गया, हाफ, और सॉरी यू एक्स जीरो नहीं है, वी नॉट आएगा, और एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये चीज सारी जीरो हो जाएगी। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, वी नॉट इंटू में टी, टाइम कितना आ गया, एक्स बाय में वी नॉट। दिस इज इंपॉर्टेंट कि इस टाइम में यहां से यहां जब वो पहुंचा है, तो उसी टाइम में डिफ्लेक्शन हुआ है ना, उसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट वाई गया है, तो इसी टाइम को उठा के मैं यहाँ यूज कर लू। अगर वाई डिस्प्लेसमेंट है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया ई बाय कैपिटल ई बाय एम इंटू में टाइम, टाइम क्या है, एक्स बाय में वी नॉट, तो आपके पास डिफ्लेक्शन आ गया, हाफ ई ई बाय एम एक्स बाय वी नॉट। अब ये मैंने आपको बताया क्योंकि आपको इसको देख के ये पता लग रहा है कि किसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अगर चार्ज ज्यादा है, ये तो अभी हमने ई लिया, ई की जगह हम क्यू भी ले सकते हैं, प्लस क्यू ले सकते हैं, माइनस क्यू ले सकते हैं, उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन हो जाएगा। माइनस क्यू होगा तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, सॉरी माइनस क्यू होगा तो ऊपर की तरफ कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव है ना, ऊपर की तरफ कर रहा है, और अगर पॉजिटिव होता तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता। सो यहाँ पर अगर चार्ज हमारा ज्यादा हो गया तो डिफ्लेक्शन मतलब ज्यादा है, अगर मास कम हो गया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है, यानी कि ई बाय एम अगर ज्यादा है तो वाई ज्यादा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, कहीं न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर होगी बात सबको, यानी चार्ज टू मास बिल्कुल रेशियो अगर हाई है, इट मीन्स डिफ्लेक्शन हाई है। ओके, ऐसे ही अब आप एंगल एमर्जेंस वाला भी निकाल सकते हो। आप ये दोनों सारे पैरामीटर्स आपको गिवन है, यहाँ से आप वी एक्स निकाल लो और वी वाई निकाल लो। वी एक्स आपके पास इस डायरेक्शन में होगा, वी वाई इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन रहा है ना, ये आपके पास वी एक्स हो गया और ये वी वाई हो गया, ये एंगल थीटा है, इसके परपेंडिकुलर बात करें तो ये वी वाई होगा, तो टेंजेंट थीटा निकाल लो, यानी वी वाई बाय में वी एक्स, सिंपल। वी वाई आप निकाल सकते हो यहाँ से, यू वाई प्लस में ए वाई इंटू टी, ऐसे ही आप यहाँ पे यू एक्स प्लस में ए एक्स इंटू टी। अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें टेंजेंट थीटा निकालने में, सारी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, आपको पुट करनी है और उनका रेशियो निकालना है, यहाँ से टेंजेंट थीटा निकल जाएगा। क्लियर है सबको। हाँ जी, यस ठीक है, मैम, ओके। सो इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, किस तरह का आता है। ये कवर हो गया अपना, रिफ्लेक्शन भी हो गया, ओके, वाई हो गया, ओके, ठीक है। ये कीजिए जरा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हिच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10^-3 kg एंड हैविंग अ चार्ज 1.6 × 10^-19। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आएगा। ये आपके पास सिंपल उस पे है कि मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपके पास ड्रॉप है, ड्रॉप पे एक फोर्स लगेगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हिच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10^-3 kg एंड हैविंग अ चार्ज इतना। तो आपको पता है कि एफ इक्वल्स टू होता है क्यू ई, ई कितना हो जाएगा आपके पास, एफ बाई क्यू, थैंक यू।
ठीक है निकालो जरा, एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन बाय ई और एक्सेलरेशन क्या होगा? मैम, यहाँ पे ग्रेविटी लगेगी ना, तो 10 ले लेंगे हम, 9.8 या 10 ले लें उसकी वैल्यू। नहीं हम ग्रेविटी की बात ही नहीं कर रहे अभी, ग्रेविटी फ्री स्पेस है लेट्स से। चलो ग्रेविटी से ही कर लो फिर, हम एम जी बाय में क्यू, ठीक है कर लोगे, ये तो सॉल्व इजी है। यहाँ पे मास आपको कितना रखना है, 10^-3, जी मैम बट कितना अगर रखना है ग्रेविटी नहीं होती तो फिर हम क्या लेते हैं? ग्रेविटी में, फिर वो मेरे को डिटेल में बताना पड़ेगा, वो मैं कोई टॉपिक क्वेश्चन से कराऊंगी आपको फिर, ठीक है नेक्स्ट में ऐड कर दूंगी। ओके मैम, ठीक है बेटा, और यस मैम। क्यू आपको पता ही है। चलिए ये वाला कीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इफ ई बाय एम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.76 × 10^11 इज, एक्सेलरेशन निकालना है आपको। कैसे निकालें, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, ई कितना है, 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसको एसआई यूनिट में कर लेते हैं, 50 × 10^-2 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, सॉरी 10^+2 ही आ जाएगा ना, पर सेंटीमीटर है, नीचे सेंटीमीटर है तो उसको करेंगे तो ऊपर आपके पास 10^2 आ जाएगा। अगर ई बाय एम आपके पास गिवन है, ई बाय एम कितना है, 1.76 × 10^11, ठीक है तो कैसे करें इसको, अभी हमने किया था हम सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, बस हाँ एक्सेलरेशन कितना ई था, बाय एम की कैपिटल वैल्यू दे ई, रखी है हमें पहले से। यस यही आएगा आपके पास, मैम, ई बाय एम आपको ऑलरेडी गिवन है, ई आपको गिवन है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है कर लोगे, ये तो आंसर बता देती हूँ मैं आपको, इसका आंसर आएगा आपके पास 8.8 × 10^14 m/s² 10^14 m/s², चेक कर लेना, कैलकुलेशन ही है अब तो। चलिए ये बताइए ABCD, बताइए बेटा, फिगर शोज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम चार्ज बॉडी विद इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर ई एंड ई बी रिस्पेक्टिवली, एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड मैम बी इज इसका आर, क्योंकि ए है, ये ज्यादा होगा। वहां डेंसिटी ज्यादा है तो वहां यस मैम, इलेक्ट्रिक, वहां पे थीटा कम बन रहा है। ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं, ये डिफ्लेक्शन वाला कर लिया, इसको थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं तो करें, और हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ क्वेश्चंस करे थे। अगले में हम आई थिंक डायपोल कवर करेंगे फिर, डायपोल से रिलेटेड जितना भी, मैम नेक्स्ट क्लास में आई थिंक चैप्टर वन तो हो ही जाएगा ना कंप्लीट। नहीं बेटा चैप्टर 1 बहुत बड़ा है, चैप्टर 1 विल टेक ओके अराउंड 7 to 8 लेक्चर्स।